नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ध्वनि यानी साउंड का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल यूथ पब्लिकेशन बुक से। दोस्तों, इस बुक में रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई, पारामेडिकल, आरपीएफ, कॉन्स्टेबल, एसआई, जितना भी एग्जाम है उस सारे परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संकलन है दोस्तों, चैप्टर वाइज। तो भाग वन स्टार्ट किए थे इस बुक का, भाग वन में है भौतिकी। इसमें हम लोग लगभग 1400 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए हैं दोस्तों, बाकी 300-400 और बचा हुआ है, तो उसको हम लोग बारी बारी से खत्म कर लेंगे। ध्वनि का दूसरा टॉपिक था, दूसरा टॉपिक था हम लोग सेकंड टॉपिक तक क्लियर कर लिया है, थर्ड टॉपिक को देखेंगे और थर्ड टॉपिक को टच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ध्वनि का थर्ड टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 7 ध्वनि का तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है ध्वनि की चाल यानी का स्पीड ऑफ साउंड। हम लोग दो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों जितना भी पीछे लगभग 42 लेक्चर लिए हैं, 42 लेक्चर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो सारे लेक्चर एक ही प्लेलिस्ट में है, तो जाकर के आप बारी बारी से देखें। 40वां लेक्चर जो है दोस्तों, 40वां वो साउंड से रिलेटेड है, उस साउंड का सब्जेक्टिव है, उसमें थियोरिटिकल समझाया गया है कि साउंड कैसा प्रवृत्ति का है, साउंड कितना प्रकार का होता है और साउंड का डिवाइड किस आधार पर साउंड को डिवाइड किया गया है, सारा जो है 40वां लेक्चर में है। तो 40वां लेक्चर को, 14 लेक्चर को आप देखना जरूर देखिए, क्योंकि देखने से आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर। और एक बात और है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं इसमें जो कमी लगे या फिर जो अच्छा लगे, कमेंट करके बताने से हमको सुधार करने में थोड़ा सा आसानी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डॉट 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 रूप में जानी जाती है। देखिए दोस्तों, हवा में ध्वनि की गति जो है वो सुपरसोनिक भी हो सकता है, हाइपरसोनिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है? सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इसमें ऑप्शन ए सही है, सुपरसोनिक। अगर जो हाइपरसोनिक होता तो हाइपरसोनिक होता, लेकिन क्या कह रहा है कि ध्वनि की गति से अधिक गति डॉट 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 रूप में जानी जाती है। किस में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक में जानी जाती है, ऑप्शन ए सही है। अब आप पूछेंगे सर हाइपरसोनिक कब कहेंगे और सुपरसोनिक कब कहेंगे, यानी कि जो हाइपरसोनिक है और सुपरसोनिक है, ऐसा नहीं है कि दोनों के एक ही साथ कहेंगे, दोनों में कंडीशन लगा हुआ है कि कब हाइपरसोनिक आपको बोलना है और कब सुपरसोनिक बोलना है। देखिए दोस्तों, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक दोनों को हम पहचानने के लिए उसमें एक है सिस्टम, उसमें उसको कहते हैं मैक नंबर। क्या कहते हैं उसको? मैक नंबर। अब मैक नंबर से आप जान सकते हैं कि ये हाइपरसोनिक है कि सुपरसोनिक है। मैक नंबर का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि आपको मैक नंबर कैसे निकलेगा, यहां पे लिखना है आपको वस्तु की चाल या पिंड की चाल, पिंड की चाल और बटा में हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। यानी कि आपको पता होगा कि हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है, हवा में ध्वनि की चाल होता है। अब ऊपर में लिखना है वस्तु की चाल, अगर जो वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा है तो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक हो सकता है, लेकिन कितना ज्यादा है तो सुपरसोनिक होगा। अगर जो मैक नंबर एक आ जाए, यानी कि वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल बराबर हो जाए, मैक नंबर क्या आ जाए, एक आ जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं दोस्तों सुपरसोनिक। क्या बोल सकते हैं? सुपरसोनिक एक या एक से अधिक हो, लेकिन पांच से कम, एक या एक से अधिक लेकिन पांच से कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। आप कहेंगे कि अब हाइपरसोनिक किसको कहेंगे? तो हाइपरसोनिक उसको कहेंगे जिसका मैक नंबर पांच से अधिक हो, जिसका मैक नंबर कितना से अधिक हो, पांच से अधिक, जिसका मैक नंबर होगा पांच से अधिक उसको बोलेंगे हम क्या? हाइपरसोनिक। क्या बोलेंगे उसको? हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक, जिसका मैक नंबर कितना से अधिक हो, पांच से अधिक हो। तो ये था सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 42? ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है पिछले वीडियो में देखे थे कि ध्वनि पर जो है दोस्तों तरंग धैर्य दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि आप दाब बढ़ाएंगे या दाब घटाएंगे तो उसकी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका ऑप्शन सी सही है कि ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होता है, हाँ, लेकिन टेम्परेचर से प्रभावित होता है दोस्तों, टेम्परेचर से प्रभावित होता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड भी क्या होगा ध्वनि की? इंक्रीज होगी।
टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इसका स्पीड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे उससे इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए इसका डिस्कशन कह रहा है दोस्तों, ध्वनि का वेग आवृत्ति, ध्वनि का वेग आवृत्ति तथा दाब से प्रभावित नहीं होता है, ताप से प्रभावित होता है, आर्द्रता से ही प्रभावित होता है, इसकी माध्यम से ही प्रभावित होता है कि कौन सी माध्यम में जा रहा है, ठोस में जा रहा है, द्रव में जा रहा है या गैस में जा रहा है, माध्यम से ही प्रभावित होता है। लेकिन इससे तरंग दैर्ध्य से, आवृत्ति से और दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों आपको 43 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, हवा में ध्वनि की वेग लगभग कितना होता है। तो आपको पता होगा ध्वनि की वेग हवा में है दोस्तों 332 या 330 मीटर पर सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। यही प्रकाश का वेग कह दे दोस्तों, प्रकाश का वेग ये होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। चलिए कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, एक ध्वनि तरंग, क्या कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग से 3.5 किलो हर्ट्ज, कह रहा है दोस्तों हर्ट्ज कह दिया तो आपको क्या मानना है कि ये क्या बोल रहा है, आवृत्ति बोल रहा है। हर्ट्ज किसका यूनिट है, तो आवृत्ति का। तो कह रहा है कि 3.5 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, और इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा दे दिया आपको दोस्तों, तरंग दैर्ध्य क्या दे दिया है, 0.1 मीटर, क्या दे दिया, 0.1 मीटर। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में, फिर से बोल रहा है आपको कि डिस्टेंस कितना है दोस्तों, डिस्टेंस दे दिया है आपको, डिस्टेंस डी दे दिया है आपको कि 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब आपको लगता होगा सर आवृत्ति दे दिया है, तरंग दैर्ध्य दे दिया है, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे, इसका वेलोसिटी निकालेंगे पहले, इसका वेलोसिटी क्या है, और वेलोसिटी निकालने के बाद हमको नहीं पता चलेगा कितना जब इस जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा तो 700 मीटर में कितना टाइम लगेगा, टाइम ही तो पूछ रहा है। तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो वेलोसिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए, कि आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, क्या है फॉर्मूला आपके पास, कि आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, आपको आवृत्ति भी दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य भी दिया हुआ है। आवृत्ति कितना दिया है, 3.5 किलो हर्ट्ज़, 3.5 किलो हर्ट्ज़, इसको किलो का हम लोग नॉर्मली चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, इसमें हर्ट्ज़ में चेंज करेंगे तो 3.5×1000 हर्ट्ज़, ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 हर्ट्ज़ हो जाएगा, और 0.1 मीटर इसका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब इसको हम आवृत्ति का मान रख रहे हैं, कितना होगा आवृत्ति का मान, आवृत्ति का मान अभी आप निकालें 3500 हर्ट्ज, क्या निकालें, 3500 हर्ट्ज, आवृत्ति का मान 3500 हर्ट्ज, तरंग दैर्ध्य कितना है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य दिया 0.1, इसको करेंगे तो 10 नीचे बैठाएंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसको यहां से काटिए, यानी कि हो जाएगा 350 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो जाएगा, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा दोस्तों, 350 मीटर पर सेकंड। अब आप ही बताइए कि किसी वस्तु का वेलोसिटी या किसी वस्तु का वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकंड है तो 700 मीटर दूरी तय करने में कितना उसका समय लगेगा। तो 700 मीटर आपको पता होगा कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है 700, वेलोसिटी कितना है 350, इसको काटिए दो बार में, यानी कि 2 सेकंड टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 2 सेकंड की टाइम लगेगा। देखिए एलपी में पूछा है क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही है। तो आप फॉर्मूला को अच्छा से नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 45 कह रहा है, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है, फिर से बोल रहा है दोस्तों, ध्वनि तरंग की गति दे दिया आपको, वेलोसिटी दे दिया, कितना दे दिया वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकंड है, फिर कह रहा है ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगी, कितना किलोमीटर कह रहा है 7 किलोमीटर, डिस्टेंस दे दिया आपको दोस्तों 7 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब 7000 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस मतलब कि यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो ये तो नॉर्मली है, आपको डिस्टेंस स्पीड और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला से निकल जाएगा, क्या होता है डिस्टेंस बराबर, क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू वेलोसिटी, क्या होता है टाइम इंटू वेलोसिटी। तो टाइम कितना दे रहा है, टाइम हमको पूछ रहा है, डिस्टेंस पता है हमको, डिस्टेंस कितना है 7000 मीटर, टाइम नहीं पता है, टाइम को टाइम रहने देते हैं, वेलोसिटी हमको पता है कितना 700 मीटर पर सेकंड, इसको काटिए, यानी कि कुल मिला के 10 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है,
फिर से वही क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। पिछला बार में देखे आपको दिया था 330 मीटर पर सेकेंड, आज अभी इस वाला क्वेश्चन में दे रहा है आपको 332 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 330 332 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल आपको फिर से पूछ रहा है, कितना है वायु में ध्वनि की चाल, तो 332 मीटर पर सेकेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक ध्वनि स्रोत 60 हर्ज की तरंग भेजता है। मान के चलिए दोस्तों कि एक ध्वनि स्रोत है, यहाँ से एक सोर्स है, यहाँ से वो कह रहा है कि 60 हर्ज, कितना 600 हर्ज की तरंग भेजता है, ठीक है, कितना दूरी तक, यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। लैम्डा कितना पैदा करता है दोस्तों, 3 मीटर। लैम्डा कितना है, 3 मीटर, ठीक है, पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या है भी आपसे पूछ रहा है दोस्तों, वेलोसिटी पूछ रहा है कि ध्वनि तरंग की गति क्या है। तो आपको पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है, आवृत्ति दे दिया है आपको, एन आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवृत्ति आपको पता है, एन भी पता है, लैम्डा ही पता है, तो वेलोसिटी नहीं निकलेगा, यानी कि आवृत्ति का मान रखेंगे 600, तरंग दैर्ध्य का मान रखेंगे 3, और इसमें गुना करने 3600, यानी कि 1800 मीटर पर सेकंड क्या होगा इसका वेलोसिटी होगा, किसका वेलोसिटी होगा, तरंग के वेलोसिटी कितना होगा 1800 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है दोस्तों, एक प्रसारण केंद्र, कहीं पे एक प्रसारण केंद्र है जहां 71 × 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आवृत्ति दे आपको दे दिया है कितना 71 × 10⁴ हर्ट्ज की क्या कर रहा है, आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है। फिर कह रहा है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति के साथ तरंगों की प्रसारित कर रहा है, वेलोसिटी आपको दे दिया है दोस्तों कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के साथ, पर सेकंड के साथ गति के साथ तरंगों को क्या कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, तो तरंगों का तरंग दैर्ध्य निकालिए, लैम्डा निकालिए। तो आपको पता है भी बराबर, लैम्डा आपको पता नहीं है, तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो भी बराबर आपको पता है क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, तो आपको वेलोसिटी ही पता है, आवृत्ति ही पता है, तो लैम्डा नहीं निकलेगा, वेलोसिटी का मान रखिए 3 × 10⁸ है, आवृत्ति कितना है 71 × 10⁴ है, अब हमको तरंग दैर्ध्य नहीं पता है, तो इसको काटिए, यहां से यहां काटेगा यानी कि 4 हो जाएगा 10⁴ हो जाएगा, 71 को काटिए यानी कुल मिला के लैम्डा बराबर हो जाएगा दोस्तों 422.5 मीटर, कितना हो जाएगा 422.5 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों कि एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें, किसका गणना करें, तरंग दैर्ध्य की गणना करें, लैम्डा की गणना करें, जिसमें आवृत्ति दे दिया है आपको, एन दे दिया है 200 हर्ट्ज, और दिए गए माध्यम में गति दे दिया आपको, वेलोसिटी दे दिया कितना 400 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य निकालिए, फिर से वही अब लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, तो आवृत्ति हमको पता है कितना 200, तरंग दैर्ध्य नहीं पता है हमको, तरंग दैर्ध्य नहीं पता है, वेलोसिटी पता है कितना 400 = 200 × तरंग दैर्ध्य, इसको काटिए दो बार में, यानी कि 2 मीटर जो है इसका तरंग दैर्ध्य होगा दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, 2 मीटर इसका क्या होगा, तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य का यूनिट क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है वायु में 0 °C तापमान पर ध्वनि गति कितनी होती है। देखिए वायु में अगर जो कहे आपसे कि 0 °C तापमान पर ध्वनि गति कितनी होगी, तो होगा 332 मीटर पर सेकंड होगा, कितना होगा 332 मीटर पर सेकंड। कहेगा कि 1 °C बढ़ा दिए वायु का टेम्परेचर, तो ध्वनि की गति में क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे ही 1 °C बढ़ाएंगे दोस्तों, तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकंड की क्या होगा, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से। टेम्परेचर से क्या पड़ता है, ध्वनि पे इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है, ध्वनि की चाल क्या होगा। आपको आवृत्ति दे दिया है दोस्तों 400 हर्ट्ज दे दिया है आवृत्ति, अब तरंग दैर्ध्य दे दिया है, लैम्डा दे दिया है आपको 2.5 मीटर, लैम्डा कितना दे 2.5 मीटर। अब कह रहा है कि चाल बताइए, वेलोसिटी, तो आपको पता है वेलोसिटी पर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य गुने आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य आपको पता है 2.5, उसके बाद आवृत्ति भी पता है 400, तो वेलोसिटी निकालना है इसको, यहां से काटिए 10 बचेगा 25, इसको काटिए कितना 40, अब 25 चौके 100 यानी कि 1000 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन सी सही।
क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कह रहा क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग क्या होता है, ए में कह रहा है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, सर्दी में और गर्मी में समान होता है, मौसम पर निर्भर नहीं है, सर्दियों की तुलना गर्मियों में अधिक होता है। ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। क्यों सही है, क्योंकि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, क्या होता है गर्मियों में अधिक होता है, कैसे होता है, ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है क्योंकि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोस्तों क्या होता है, जब माध्यम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो माध्यम का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कितना बढ़ती है, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ध्वनि तरंगे का वेग सबसे कम कहाँ होता है दोस्तों, सबसे कम गैस में होता है तथा सबसे अधिक कहाँ होता है, ठोस में होता है ध्वनि का चाल। आपको लग रहा होगा ठोस में ध्वनि नहीं चलती, ठोस में बहुत ज्यादा ध्वनि चलती है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है दोस्तों एक माध्यम में ध्वनि का गति निर्धारित करता है, कह रहा है एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, ऑप्शन में कह रहा है ध्वनि तरंगे, ऑप्शन बी में कह रहा है तरंग स्वर विशेषता, ऑप्शन सी में कह रहा है माध्यम की प्रकृति, ऑप्शन डी में कह रहा है तरंग का आयाम। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी सही है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि गति का निर्धारित करता है कि माध्यम का प्रकृति कैसा है, ऑप्शन सी सही है। इसका डिस्कशन कह रहा है दोस्तों किसी माध्यम में ध्वनि प्रति सेकंड जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं, उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं, कि एक सेकंड में कितना दूरी तय की उस माध्यम में क्या कहेंगे, ध्वनि का वेग कहेंगे। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यानी कि ध्वनि क्या है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है, जिसके संचारण के लिए माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है या संचरण नहीं होती है, जबकि वायु तथा गैस ध्वनि का संचरण का एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में है। ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है, देखिए अब समुद्री जल हो या जल हो तो जल में ध्वनि का गति होता है दोस्तों 1531 मीटर पर सेकंड होता है, ध्वनि का गति जल में कितना होता है 1531 मीटर पर सेकंड होता है, और गैस में होता है कितना 332 मीटर पर सेकंड गैस में होता है, और जल में कितना होता है 1531 मीटर पर सेकंड होता है गैस में, सॉरी जल में। अब कह देगा कि ठोस में कितना होता है दोस्तों लोहा में, तो लोहा में सबसे अधिक होगा, लोहा में सबसे अधिक होगा 5130 मीटर पर सेकंड होता है लोहा में, यानी कि सबसे ज्यादा किस में तेज चलती है, लोहा में चलती है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 56, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है वायु में ध्वनि के वेग से अधिक, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहते हैं, कह रहा है दोस्तों कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है पराध्वनिक, बी में कह रहा है अपश्रव्य, सी में कह रहा है अति पराध्वनिक, और डी में कह रहा है क्या पराश्रव्य, डी में क्या कह रहा है कि पराश्रव्य, तो इसको दोस्तों हम लोग पराध्वनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पराध्वनिक बोलते हैं, जब वायु में किसी वस्तु की वेग ध्वनि की वेग से अधिक हो जाए तो उसको क्या कहते हैं पराध्वनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पराध्वनिक। अब इसको सुपरसोनिक और सोनिक किस रूप से डिवाइड करते हैं, तो मैक नंबर से डिवाइड करते हैं, इसका सुपरसोनिक है या सोनिक है, सॉरी हाइपरसोनिक है या सुपरसोनिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कह रहा है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य असत्य है। चलिए कह रहा है एक कथन कह रहा है कि हीलियम गैस में ध्वनि का चाल 965 किलोमीटर पर सेकंड है, बी में कह रहा है हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का चाल 1284 मीटर पर सेकंड है। इसका ऑप्शन जो है दोस्तों बी सही है, केवल बी सत्य है, यानी कि कहने का मतलब है हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का चाल कितना है 1284 मीटर पर सेकंड है। अब इसको टेम्परेचर पर बता, टेम्परेचर पर 1 डिग्री टेम्परेचर, ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है दोस्तों ध्वनि, तो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है, किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल क्या होता है बढ़ जाता है, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल में कितना उछाल आता है तो बढ़ जाती है 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल विभिन्न माध्यमों में हाइड्रोजन
1284 मीटर पर सेकंड हो जाता है। हीलियम में कितना रहता है दोस्तों, तो हीलियम में रहता है 972 मीटर पर सेकंड। हीलियम में कितना होगा, 972 मीटर पर सेकंड, और हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कह रहा है दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परावर्तित हो जाती है, इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही या गलत है। ऑप्शन ए में कह रहा है ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर मिनट होती है। बी में कह रहा है अशुद्ध जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर मिनट होती है। इसमें दोस्तों ऑप्शन सी सही है, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। इसमें अगर जो मीटर पर सेकंड होता तो सही होने की संभावना थी बी वाला को, लेकिन मीटर पर सेकंड नहीं है, मिनट है, तो दोनों गलत है। चलिए इसका डिस्कशन कह रहा है दोस्तों, ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में 316 मीटर पर सेकंड होती है, मीटर मिनट नहीं सेकंड में होती है, और आशुत जल में 1498 मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 59 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है। फिर से वही बात है, समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। फिर कह रहा है आशुत जल में ध्वनि का चाल 1498 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसमें भी दोस्तों ऑप्शन ए सही है, ना तो ए और ना ही बी सही है, ऑप्शन ए वाला सही है। फिर से देखिए इसको डिस्कशन कह रहा है दोस्तों कि समुद्र के जल में क्या होता है कि 1531 मीटर पर सेकंड होती है, और आशुत जल में क्या होता है कि 1498 मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है दोस्तों, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डॉट डॉट बढ़ते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। कह रहा है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तो तापमान को बढ़ाते हैं दोस्तों, तापमान को बढ़ाते हैं, ध्वनि गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60 का कौन सा सही ऑप्शन, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है। दो कथन दिया है, कौन सा कथन दिया है, समुद्री जल में ध्वनि का चाल क्या होता है 1531 मीटर पर सेकंड, सही बात है। फिर कह रहा है कि हवा में ध्वनि का चाल क्या होता है 346 किलोमीटर पर सेकंड, ये एकदम गलत है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, केवल ए सत्य है, केवल ए सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दोस्तों, फिर से वही बात है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न मीडियमों में ध्वनि की चाल के बारे में कथन ए कह रहा है, समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1531 मीटर पर सेकंड, सही बात है, ऑप्शन कथन ए सही है। फिर से कह रहा है कि आशुद्ध जल में क्या है 1498, ऑप्शन कथन बी भी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि दोनों कथन सही है। फिर से आइए कथन का है, फिर से ही कथन है, कह रहा है विभिन्न माध्यमों 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति संदर्भित निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यमान सत्य है। फिर से कह रहा है एल्युमिनियम में ध्वनि की गति होता है 6220 मीटर पर सेकंड, और निकल में ध्वनि गति होता है 6040 मीटर पर सेकंड। इसमें दोस्तों इसमें केवल जो है से बी सही है, निकल में हो सकता है, निकल में कितना होता है 6040 मीटर पर सेकंड निकल में होता है, लेकिन एल्युमिनियम में होता है दोस्तों, एल्युमिनियम में ज्यादा होता है, एल्युमिनियम में होता है 64 यानी कि 6420 मीटर पर सेकंड होता है, 6200 नहीं होता है, 6400 होता है इसमें एल्युमिनियम में। इसमें सिर्फ और सिर्फ कथन बी सही है, ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, यानी कि ध्वनि की चाल से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो इसे चाल यात्रा कहा जाता है। किससे क्या कहा जाता है, उसे प्राध्वनिक कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, उसे प्राध्वनिक कहा जाता है। उसको हम लोग सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक को कैसे डिनोट करते हैं, तो मैक नंबर से करते हैं। मैक नंबर कैसे निकालते हैं, तो वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल हवा में ध्वनि की चाल से करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऊपर में वस्तु की चाल करते हैं और नीचे में ध्वनि की चाल करते हैं हवा में, और जितना आता है उसको क्या कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। कह रहा है कि जब कोई पिंड ध्वनि की चाल एक मैक से अधिक चाल से गति करता है, उसे क्या कहते हैं, पराध्वनिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पराध्वनिक चाल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखिए दोस्तों, निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल अधिकतम होता है। इसमें सारे जो है चारों ऑप्शन में ठोस है दोस्तों, आपको पता है कि ठोस में ध्वनि का चाल मैक्सिमम होता है,
लेकिन सारे ऑप्शन में ठोस है, तो आपको कैसे पहचानना है इसका? ऑप्शन ए में कह रहा है पीतल, बी में कह रहा है इस्पात, सी में कह रहा है एल्यूमिनियम और डी में कह रहा है लोहा। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों। एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल होता है, कितना होता है आपको पता है? 6420 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि का चाल एल्यूमिनियम में। लोहा में होता है दोस्तों 5130 मीटर पर सेकेंड होता है लोहा में। सबसे ज्यादा किस में हुआ? ऑप्शन सी सही है, एल्यूमिनियम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66 फिर से कथन है। कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस से विभिन्न माध्यमों ध्वनि की गति के बारे में साथ बताइए। स्टील में ध्वनि का चाल क्या, गति क्या है? 5960 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एकदम गलत है। कथन क्या है? गलत है। सी में कह, बी में कह रहा है निकेल में ध्वनि का चाल, ध्वनि गति क्या है? 6040 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऑप्शन जो है कथन बी सही है। इसके लिए ऑप्शन ए सही है कि केवल कथन बी सही है। अब कह रहे हैं कि स्टील में कितना चाल होता है? स्टील में दोस्तों होता है 5100 मीटर पर सेकेंड, 5100 के लगभग मीटर पर सेकेंड होता है स्टील में ध्वनि का चाल होता है। लेकिन क्या निकेल में क्या है? 6040 मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है विभिन्न माध्यमों 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है, कथन सत्य है? कथन ए में कह रहा है स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकेंड होता है, कथन ए बोल रहा है। कथन बी बोल रहा है दोस्तों कि निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकेंड होता है। अभी देखे हैं कि 6040 मीटर पर सेकेंड होता है निकेल में, और स्टील में ध्वनि की गति क्या है? 5960 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है, कथन ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखें 68। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68 दोस्तों यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ध्वनि की गति क्या होगा दोस्तों? तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगा। आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस पर डिनोट है कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कितना ध्वनि की गति बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कह रहा है दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डॉट 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 में अधिकतम होता है। किसमें तापमान पर दिए गए सबसे अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम दोस्तों ठोस में एल्यूमिनियम में होता है। किसमें होता है? एल्यूमिनियम। कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकेंड, 6420 मीटर पर सेकेंड होता है एल्यूमिनियम में। क्वेश्चन नंबर देखिए 70। कह रहा है क्वेश्चन नंबर सत्तर कह रहा है कि डॉट डॉट में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। किसमें तेज होती है सबसे ध्वनि गति? पानी, किरोसिन तेल, वायु। ये तीनों जो है द्रव और गैस है, लेकिन ठोस कौन सा है? स्टील। यानी कि ऑप्शन सी सही है, स्टील में सबसे ज्यादा ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है, और ठोस में भी किसमें होता है? एल्यूमिनियम में भी ज्यादा होता है सबसे ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? किस माध्यम में दोस्तों ध्वनि जो सबसे तेज यात्रा करती है? तो स्टील में। ऑप्शन डी सही है, स्टील में सबसे तेज यात्रा करती है ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ऑप्शन ए, कथन ए कह रहा है जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर पर सेकंड, सही बात है। इथेनॉल में ध्वनि गति 1200 किलोमीटर पर सेकंड, ये गलत बात है। यानी कि ऑप्शन कथन ए सही है, कथन ए सही किसमें? ऑप्शन ए में। यानी कथन ए सही है, ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? फिर से वही बात है, समुद्री जल में ध्वनि का चाल कितना है? 1531 मीटर पर सेकंड, सही बात है। यानी कि कथन ये सही है। फिर कह रहा है हवा में ध्वनि का चाल 346 किलोमीटर पर सेकंड है, ये एकदम गलत है। यानी कि ऑप्शन कथन ए सही है, इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, कथन ए सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है दोस्तों निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए में जल, इस्पात, कांच, वायु। तो किस पदार्थ में सबसे कम होगा ध्वनि की चाल? ध्वनि की चाल वायु में सबसे कम होगा दोस्तों। वायु के बाद किस में होगा? जल में होगा, उसके बाद कांच इस्पात में होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। फिर से 75 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कथन वाला है। 75 कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही गलत है? ऑप्शन ए में कह रहा है ध्वनि वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है। फिर कह रहा है अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। इसमें दोस्तों दोनों सही है, इसको 346 ने कह के 332 भी कहता तो सही होता, लेकिन 346 मीटर पर सेकंड तक चलेगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, ए और दो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है दोस्तों
ध्वनि का प्रसार, किसका? ध्वनि का प्रसार डॉट 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 में अधिकतम होता है। किसमें ध्वनि का प्रसार ज्यादा होता है दोस्तों? तो ठोस में ध्वनि का प्रसार सबसे अधिकतम होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 77, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है। कह रहा है ऑक्सीजन में ध्वनि का चाल 316 मीटर पर सेकंड, ये भी सही बात है। वाष्प जल में ध्वनि का चाल 1498 मीटर पर सेकंड, ये भी सही बात है। यानी कथन ए और बी दोनों कथन सही है, इसमें ए और बी दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है दोस्तों, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस में सबसे तेज यात्रा करती है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद किस में करती है? उसके बाद द्रव में करती है। उसके बाद किस में करती है? उसके बाद गैस में करती है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? तो कौन सा माध्यम है? ठोस माध्यम है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, ध्वनि का चाल माध्यम के डॉट 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 गुणों पर निर्भर करता है। कौन सी गुण पर निर्भर करता है माध्यम के? तो ध्वनि का चाल कौन सी गुण पर माध्यम पर निर्भर करता है? देखिए दोस्तों, ताप पर भी निर्भर करेगा, डेंसिटी पर भी निर्भर करेगा और प्रत्यास्था पर निर्भर करेगा। और ऑप्शन ए में कह रहा है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इनमें से सभी गुणों पर, पदार्थ के सभी गुणों पर क्या करता है? निर्भर करता है ध्वनि का चाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है दोस्तों, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि का चाल होता है। जब ठोस में चल रहा है दोस्तों, आपको पता है कि ठोस में सबसे ज्यादा स्पीड में चलेगा, उसका स्पीड ज्यादा रहेगा। जैसे ही गैस में जाएगा तो उसमें क्या होगा दोस्तों? उसकी चाल में क्या प्रभाव पड़ेगी? उसके चाल में प्रभाव पड़ेगी कि उसके चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी गैस में उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, क्या होती है? घटती है। फिर से कथन है, कथन कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? ए में कह रहा है स्टील में ध्वनि का चाल 5960 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, सेंटीमीटर नहीं मीटर पर सेकंड होता है 5960। फिर कह रहा है निकेल में ध्वनि का चाल 6240 मीटर पर सेकंड होता है। तो दोस्तों निकेल में ध्वनि का चाल 6040 मीटर पर सेकंड होता है, 6200 नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इनमें से दोनों कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसके लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए दोस्तों, स्टील में ध्वनि का चाल होता है 5960 मीटर पर सेकंड, ठीक है। निकेल में होता है 6040 मीटर पर सेकंड। अब आपको हाइड्रोजन का भी कभी पूछा जाता है, हाइड्रोजन में दोस्तों 1284 मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? 1284 मीटर पर सेकंड होता है। फेरस कहने का मतलब लोहा में 5130 मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद निकेल में क्या देगा दोस्तों? निकेल में अभी देखें कितना है, 6040 मीटर पर सेकंड होता है निकेल में, ठीक है। उसके बाद आपको से एल्यूमिनियम पूछ दे सकता है या स्टील पूछ दे सकता है। स्टील में 5900 कुछ किलोमीटर होता है स्टील में, और 6400 किलोमीटर होता है एल्यूमिनियम में। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति है दोस्तों 4K हर्ज। 4K हर्ज कहने का मतलब 4000 हर्ज। ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दे दिया है 4000 हर्ज। तरंग धैर्य दे दिया है आपको दोस्तों, तरंग धैर्य दे दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दे दिया तरंग धैर्य? लैम्डा कितना दे दिया है? 40 सेंटीमीटर आपको तरंग धैर्य दे दिया है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? डिस्टेंस जो है दोस्तों 3.2 किलोमीटर है। दूरी तय करने में लगा समय, आपको टाइम पूछ रहा है दोस्तों कि 3.2 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों टाइम के लिए आपको पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि होता है, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है आपको तरंग धैर्य गुने आवृत्ति। आवृत्ति भी पता है आपको, तरंग धैर्य पता है, तो वेलोसिटी तो आराम से निकलेगा। चलिए इसको तरंग धैर्य जो है दोस्तों सेंटीमीटर में दिया हो, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.4 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर। अब देखिए आवृत्ति का मान रखिए कितना, 400। आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा, 4000। और उसके बाद कितना तरंग धैर्य का मान कितना होगा? इंटू 0.4। इसको यहां से कीजिए 10, यानी कि 1600 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका स्पीड हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है कि 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 3.2 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे, हो जाएगा कितना? हो जाएगा 3200 मीटर होगा। कितना होगा? 3200 मीटर। अब आपको पता है कि 1600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई वस्तु चल रहा है और 3200 मीटर दूरी तय करने में क्या कितना समय लगेगा, तो आपको पता है कि टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा वेग या वेलोसिटी। दूरी कितना है? 3200
स्पीड कितना है इसका, 1600, दो बार में कट जाएगा, यानी कि 2 सेकंड लगेगा, मात्र कितना सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा इसको दूरी को तय करने में। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, कितना समय लगेगा, 2 सेकंड लगेगा मात्र। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है दोस्तों, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज है, इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल बताइए। फिर से वही बात है, यानी कि आपको आवृत्ति दे दिया है कितना, 50 हर्ज की आवृत्ति दिया है, फिर से कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा कितना है, 4 मीटर है, तो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति कितना है 50 है और तरंग दैर्ध्य कितना है 4 है, यानी कि 200 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ये सही है, 200 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है, कौन सा जो है किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है दोस्तों, तो दर्शाता है तरंग का वेग, 1 सेकंड में जो दूरी तय करता है उसको कौन दर्शाता है, तरंग का वेग। ऑप्शन सी सही है, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को उस तरंग का वेग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उस तरंग का वेग कहते हैं, तरंग का वेग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब तीसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया, यानी कि तीसरा टॉपिक हम लोग सॉल्व कर लिए, अब बचा चौथा टॉपिक, चौथा टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखते हैं, तो यहीं तक रहने देते हैं, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सजेशन देने की कोशिश करें। तो चलिए रह देते हैं।